साल 2003 में बीएचयू से रिटायर देश के सबसे ईमानदार डॉक्टर या भगवान कहे तो गलत नहीं होगा। इनका नाम प्रोफेसर टीके लहरी है और ये चाहते तो देश के किसी कोने में एक हॉस्पिटल खोलकर करोड़ों कमा सकते थे, मगर गरीबों का फ्री में इलाज करने की ठान रखी है। और यही नहीं, साल 1994 से ही अपना पूरा वेतन गरीबों को दान करते आ रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पेंशन मिलता है उसमें से केवल उतने ही पैसे लेते हैं जिससे वो दो वक्त की रोटी खा सके और बाकी का बचा पैसा गरीबों के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनका भी भला हो सके। उनकी ईमानदारी को देखते हुए साल 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और आज भी प्रोफेसर टीके लहरी को एक हाथ में बैग और एक हाथ में काली छतरी लिए हॉस्पिटल जाते देखा जा सकता है। बड़े दुख की बात है कि देश की मीडिया इन जैसे ईमानदार लोगों को कभी नहीं दिखाती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।